निगम के प्रणांग में चल रहे नगरपालिका कर्मचारी यूनियन के धरने एवं प्रदर्शन के दूसरे दिन भी कर्मचारी भूख हड़ताल पर डटे रहे, जिसके चलते बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है और ना ही सरकार कर्मचारियों की मांगे मान रही है, जिसके रोष स्वरूप पूरे प्रदेश में कर्मचारी 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश का 32,000 कर्मचारी अंबाला गृह मंत्री अनिल विज के निवास की ओर कूच करेगा एवं उनके निवास पर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी किया जा सकता है, जिससे जो भी सफाई व्यवस्था प्रदेश की प्रभावित होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। यहां हम आपको बता दें कि कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा नगर निगम में जो कच्चे कर्मचारी रखे गए थे उनको पक्का नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको निकाल कर सरकार अपने चहेते कर्मचारियों को नगर निगम में बैक डोर से एंट्री करवाना चाहती है, जिसको सर्व कर्मचारी संघ एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ सहन नहीं करेगा एवं संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगर निगम के प्रणांग में कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर नारेबाजी की। आज दूसरा दिन है और अभी तक सरकार में कोई ऐसी हलचल नहीं हुई है, तो जब तक सरकार हमारी बातचीत या हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हमारा आंदोलन जो है जारी रहेगा। आगे आने वाले टाइम में हमारी 13 और 14 की जो सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और 28, 29, 30 को भी 3 दिन की हमारी हड़ताल रहेगी। उसके बावजूद अगर सरकार फिर भी कहीं नहीं मानती तो 8 नवंबर को सारे की 32 हरियाणा कर्मचारी का हरियाणा का जितना भी 32,000 कर्मचारी होगा सारा का सारा अंबाले की ओर कूच करेगा अनिल विज के कोठी का घेराव करने के लिए। अगर उसके बावजूद भी सरकार फिर भी अगर हमारी मांगों को नहीं मानती तो जितना भी कर्मचारी होगा सारा का सारा एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगा, जिसके जिम्मेवारी यहाँ की सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। और हमारे जो सरकार ने ये जो आंदोलन किया जा रहा है सारा का सारा, इसमें जो कंप्यूटर कलरों की जो छटनी है, बेलदार, माली, चौकीदार, पीएन और जितने ड्राइवर हैं सबको जो ठेके में लगे हैं सबको पैरोल पर लेने का मांग रखी गई थी। कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत हुई तो इन्होंने मांगे माननी भी थी हमारी, लेकिन वो लेटर आज तक जारी नहीं किए गए हैं। हम सरकार से इस मंच के माध्यम से फिर आग्रह कर रहे हैं कि सरकार अपनी इन मांगों को जल्द से जल्द जारी करे, ये पत्र जारी करें, अन्यथा ये सारा का सारा कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगा। इंद्रजीत चनालिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सचिव करनाल। लेटर जारी ना करने के पीछे क्या मंशा है सरकार की, क्या करना? सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी तक तो सरकार को लेटर जारी कर देने चाहिए थे। आप भी कल भी सरकार के साथ बातचीत हुई है, लेकिन कुछ बातों पे अभी कुछ सहमति बनी है, लेकिन अभी तक लेटर जारी, जब तक लेटर जारी नहीं होता तब तक कुछ नहीं कह सकते सरकार के। आगे जो स्टेट कमेटी का जो आदेश होगा आगे आंदोलन के लिए, जैसे वो घोषणा करेंगे अगले प्रोग्राम की, तो वो उसके लिए। आज कौन कौन लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पे? आज भूख हड़ताल पर हमारे अशोक जी बैठे हैं, सुरिंदर जी हैं और ओम प्रकाश जी हैं, प्रदीप जी हैं, ये 11 बंदे हमारे आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।